अस्सलाम वालेकुम यार, कल ना मेरा इत्तेफाक हुआ, मीडिया सिटी से एक रोड निकलता है जो मीडिया सिटी को कनेक्ट करता है उम्मीद स्कीम रोड के साथ। उस रोड के ऊपर ना एक मस्जिद बनी हुई है। काम की वजह से मुझे वहाँ पे थोड़ी देर रुकना था, 15-20 मिनट, तो मैं थोड़ी देर रुका वहाँ पे। वहाँ मैंने देखा जी कि लेमोजीन की माशाल्लाह काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हालांकि वो जगह जो है वो जगह मैसेजेस के हिसाब से तो इतनी कोई अट्रैक्टिव नहीं है। वो तो वहाँ पे कुछ ही घर बने हुए और ज़्यादा घर भी नहीं है कि वहाँ पे कोई खड़ा होके वेट करेगा तो मैसेज मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार ये काफ़ी ज़्यादा गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये किस वजह से हो सकती है, चलो देखते हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ कम अज़ कम भी जो थी, मेरा ख्याल है 8 से 10 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई थी, जो गाड़ियाँ लेक्सेस हाइब्रिड और बाकी गाड़ियाँ सारी मिला के जो भी थे, मतलब 10 गाड़ियाँ फ़र्ज़ कर लेंगे वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो बाद में मैंने भी वहाँ पे गाड़ी पार्क की तो देखा थोड़ा आगे पीछे कि यार ये गाड़ियों में ड्राइवर भी नज़र नहीं आ रहे, तो ये कहाँ है। तो थोड़ा मैं पीछे गया मस्जिद वाली साइड पे, तो वहाँ पे उन्होंने एक चटाई वगैरह डाल के जो लोग बैठे हुए थे पार्टी टाइप का कुछ कर रहे थे, कोई खाना वाना खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई यार दोस्त होंगे जो मिल के बैठ के यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी कर रहे हैं, तो कोई टाइम पास कर रहे हैं, मतलब काम नहीं है या हो सकता है कोई प्रोग्राम बना होगा पार्टी करने का। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं कि क्या बन रहा है, पार्टी करेंगे तो जाहिर है कि जो हम लोग जैसे काम करते हैं तो हम लोगों की कोशिश यही होती है कि यार मैं अपनी बात करता हूँ बाकी किसी की बात नहीं करता हूँ, कि मैं तो अपना खाना भी अपने साथ ही लेके आता हूँ, रेस्टोरेंट पर जाके खड़ा होऊंगा वहाँ पर खाना खाऊंगा, मुझे अपनी डिवाइसेस बंद करनी पड़ेंगी तो काम जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो ठीक है मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो जो लोग दोस्त अखबार बैठे हुए थे जो लेमोजीन के ड्राइवर थे, अब मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी गाड़ियाँ थी, ज़ाहिर है किसी की कुछ लोगों की अपनी भी होंगी, कुछ लोग जो हैं ड्राइवर होंगे कंपनी पे। तो वो लोग जी खाना वाना खाया उन्होंने अच्छे तरीके से, खा के बैठ के गप्पे शप्पे लगाई। तो वहाँ पे जो जिस काम से मैं गया था, वो मेरा काम थोड़ा लंबा हो गया, जिस काम से मैं वहाँ पे गया था उस बंदे की मुझे कॉल आ गई कि यार मुझे ना 1 से 2 घंटा शायद और लग जाएगा। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, मैं इधर ही खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जब फारिग हो गए तो मुझे बताना। फिर और टाइम हो गया मेरे पास, मुझे खड़ा होना था वहाँ पे, तो वो जो दोस्त अखबार वहाँ पे बैठे हुए थे उनका खाना वाना ख़त्म हुआ, खाना ख़त्म हो गया तो उधर ही बैठ के तो बातें बातें चली, फिर बाद में सिगरेट वगैरह जो भी पीना था वो हुआ। तो बाद में उन लोगों ने ताश के पत्ते जो हैं वो निकाले, वो मतलब कहने के मकसद जितनी देर भी मैं वहाँ पे खड़ा रहा वो सब लोग जो थे 5-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनके जो ड्राइवर हजरात थे वो सब उधर ही बैठ के तो गप्पे लगा रहे थे, मतलब अपना टाइम पास कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे। बात करने का मकसद ये है यार कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा काम की तरफ फोकस रखें, ये इधर उधर बैठना नो डाउट, दोस्तों से मिलना खाना वाना खाना पार्टीज करना अच्छी बात है, लेकिन काम भी डिस्टर्ब ना हो, मतलब ठीक है 1-1.5 घंटा आपने निकाल लिया बहुत है इन सब चीज़ों के लिए, तो बाद में अपने काम पे फोकस करेंगे, तो काम वैसे ही आजकल कम है तो ऊपर से आप इस तरह से टाइम ज़ाया करेंगे तो वो काम क्या होगा। और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं कि सारा इल्ज़ाम उठा के डाल देते हैं कि काम ही नहीं है तो काम क्या करेंगे, लेकिन जब हम कोशिश करना ही छोड़ देंगे कि कोशिश ही नहीं करेंगे कि हम कहीं से काम करें कोई बिज़नेस करें, कम अज़ कम इंसान कोशिश करना तो इंसान के अख्तियार में है, कोशिश तो वो कर सकता है, काम मिले या ना मिले वो तो बाद की बात है कि बाद में क्या होगा। तो यार अगर काम नहीं है तो कम अज़ कम आप कोशिश है अपनी 100% वो तो करो, काम हो ना हो वो बाद में बात की बात है कि बाद में, लेकिन पहले ही सारे हथियार डाल के बंदा बैठ जाए कि यार काम हो नहीं रहा, ठीक है काम कम है बहुत ही कम है, लेकिन कम से कम ये चीज तो ना करो कि सारे हथियार फेंक के तो कश्तियां जला दो कि यार अब हमने करना ही नहीं है तो बस हम बैठे हुए यहाँ पे, ये काम गलत है यार। अपनी तरफ से 100% पूरी कोशिश करो, इंशाल्लाह ताला काम भी बेहतर हो जाएगा। ये जंग मत ना हारो, अपनी 100% कोशिश करो, काम नहीं लग रहा काम कम लग रहा है लेकिन अपनी तरफ से 100% काम करते रहो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आने वाली नई वीडियो के लिए देखते रहिए। शहबाज हुसैन द वर्ल्ड, कीप वॉचिंग।